बारिश वगैरह सब ठीक है, अच्छा है। और फिर अचंभे की बात है कि कई चीजें कोर्ट ने ऐसी बोल दी जिसका कोई सिरपैर ही नहीं है। उन्होंने ये बोल दिया कि इसमें कोई सीएजी का इंक्वायरी हो चुकी है, सीएजी का ऑडिट हो चुका है, उसकी रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जा चुकी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बाद उसको पार्लियामेंट में पेश किया गया और वो सार्वजनिक हो चुकी है। ऐसी कोई रिपोर्ट का ना तो कभी जिक्र सरकार ने किया, ना कोई रिकॉर्ड पर कुछ बोला, किसी हलफनामे में ना कुछ बोला, ना किसी को उसके बारे में पता है। और हमने पता लगाया कि ऐसी कोई रिपोर्ट सीएजी की नहीं दी गई, फिर भी कोर्ट के फैसले में यह बात लिखी हुई है, ये कहने के लिए कि भाई इस प्राइस वगैरह में वो नहीं जा सकते। दूसरा उसमें यह लिख दिया है कि एयरफोर्स चीफ ने यह बोल दिया कि भाई प्राइस डिटेल्स मत बताइए, नहीं तो फिर हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ये बात भी कहीं रिकॉर्ड पर नहीं थी। तीसरी बात उन्होंने ये लिख दी कि भाई ये ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, ये तो कंपनी डेसॉल्ट कंपनी खुद तय करती है, इसमें भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं था क्योंकि सरकार की तरफ से ये दलील दी गई। और ये भी लिख दिया है कि 2012 से रिलायंस की कोई पेरेंट कंपनी थी, उसके साथ इनका नेगोशिएशन चल रहा था। 2012 में तो जिस रिलायंस की कंपनी से कोई नेगोशिएशन डेसॉल्ट का हुआ था वो तो मुकेश अंबानी की बिल्कुल दूसरी कंपनी थी, उसका अनिल अंबानी की कंपनी से कोई लेना देना ही नहीं था, फिर भी ये बात लिख दी गई है। फिर ये लिख दिया गया कि हमने एयरफोर्स के अफसरों को बुलाया और उनसे भी उन्होंने भी एक्विजिशन प्रोसेस और प्राइस के बारे में हमको बताया, और इस आधार पर यह पिटिशन डिसमिस कर दी है। तो पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं बोला है कि भाई हमने पूरा जांच कर लिया और इसमें कोई घोटाला नहीं दिखता, उन्होंने सिर्फ ये बोला।